दीपावली के अवसर पर दुल्हन की तरह सजा ग्राम पंचायत मलार का पंचायत भवन। ग्रामीणों ने कहा, इससे पहले पंचायत की चौखट पर दीप तक नहीं जला करता था। फलोदी पंचायत समिति की मलार ग्राम पंचायत भवन दीपावली के अवसर पर दुल्हन की तरह सजाया गया। नव निर्वाचित सरपंच मंगला बोहरा से मिली जानकारी के अनुसार दीपावली पर गांव के हर गलियारे चौखट पर रोड लाइटें लगाने का काम चल रहा है, जो जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। सरपंच मंगला ने कहा, दीपावली पर्व हर्षोल्लास और खुशी का पर्व है, ऐसे में ग्राम पंचायत मुख्यालय जगमग तो होना ही चाहिए। अंधेरे का इस गांव में कोई स्थान नहीं। उन्होंने कहा कि अब जल्द ही विकास की बयार यहां से शुरू होगी, जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों वह बड़ी बड़ी पंचायतों में एक मिसाल कायम करेगी। तो वहीं ग्रामीणों ने हृदय विभोर होकर कहा कि इससे पहले पंचायत की चौखट पर एक दीपक तक नहीं जला करता था, लेकिन अब ये पंचायत जगमगा रही है। लगता है गांव में कुछ अच्छा होने जा रहा है। नाली बनी हुई है, 10 सालों से नाली बनी हुई है, अब की बात सफाई हुई है। उसकी सफाई पहले नहीं हुई थी? पहले कभी नहीं हुई सफाई गांव की, नाली भी नहीं सफाई कभी हुई, दोनों में इतना है, अब की बात हुई है सफाई। हरिजनों को सुना है कि ठेले वगैरह के लिए मंगा सकते हैं, वो सफाई करने के लिए। तो पंचायत में क्या लाइटें वगैरह लगाई थी? हाँ, पंचायत में लगी लाइट लगाई है, अब की बार ही लगी है लाइट इतने सालों से। और क्या लाइटें लगाई है, दीपक जले है, बच्चों को मिठाई दिलाई है। फलोदी के गली मोहल्ला में दीपावली के दूसरे दिन आज महिलाओं ने की गोवर्धन पूजा। बुजुर्ग महिलाओं ने बताए, गोवर्धन पूजा के दौरान बने काजल की महत्वता व गुण। फलोदी में दीपावली के दूसरे दिन आज अल सुबह गोवर्धन पूजा अर्चना हर गली हर मोहल्ले में महिलाओं द्वारा सब परिवार की गई। अल सुबह होने वाली इस पूजा में ज्योत से महिलाओं द्वारा काजल बनाकर बच्चों और बड़ों को लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन ये काजल लगाने से पूरे वर्ष आँखें निरोगी रहती है और दृष्टि बढ़ाने में भी ये काजल कारगर साबित होता है। साल भर खराब करनी चाहिए, अच्छा रहे। मार्केट में बाजार में जो कजन मिले वो बाजार में जो कजन मिले वो चोखो भैया बढ़िया बढ़िया भैया अच्छा भैया। तो हर साल मतलब कजल गोधन पूजा में थे आज रात घड़ी रही राज।